हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक 5-पिन सॉकेट और एक 2-पिन सॉकेट का कनेक्शन एक ही स्विच के साथ करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमको स्विच के एक पॉइंट में तार लगाना है और उस तार को हमें 2-पिन सॉकेट के एक पॉइंट में लगाना है। तो चलिए कनेक्शन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर एक तार लगा दिया मैंने। आप चाहें तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में भी इस तार को लगा सकते हैं। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें यहाँ पर लगाना है, 2-पिन सॉकेट में लगाना है इस तार को। अब क्या करना है, देखिए एक ही स्विच से हमारा दोनों सॉकेट ऑन ऑफ होगा, तो एक और तार लेना है हमको और इस तरह से इसी में लगा देना है। ये फेज का कनेक्शन है दोस्तों, इसलिए मैंने लाल कलर का तार लिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, इस तार को हमें 5-पिन सॉकेट में लगाना है। तो चलिए इस तार को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 5-पिन सॉकेट के। ये देखिए, इस तरह से कनेक्शन कर लेना है और इसे कस लेना है। अब क्या करना है, देखिए अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ कहाँ आएगा, एक 5-पिन सॉकेट में आएगा और एक 2-पिन सॉकेट में आएगा। तो इस तरह से काला कलर का तार ले लिया हूँ मैं और इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें 2-पिन सॉकेट में लगाना है। जो 2-पिन सॉकेट का खाली बचा हुआ है वहाँ पर लगाना है इसे। अब क्या करना है, देखिए अब हमें इस बोर्ड में सप्लाई देना है। तो सप्लाई कहाँ कहाँ देना है देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें सप्लाई कहाँ कहाँ देना है। तो फेज सप्लाई तो हमें स्विच में देना है, स्विच का जो पॉइंट खाली बचा हुआ है वहाँ पर हमें फेज सप्लाई देना है। स्विच के इस वाले जगह पर फेज सप्लाई आएगा बाहर से। अब क्या करना है, देखिए अब हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल सप्लाई आप 2-पिन सॉकेट में भी दे सकते हैं और 5-पिन सॉकेट में भी दे सकते हैं। तो मैं चलिए 2-पिन सॉकेट में न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ। यहाँ पर हमारा न्यूट्रल सप्लाई आएगा। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से तार को बाहर की तरफ निकाल लेना है और इसे बंद कर देना है। और इसमें 4 पेज लगेंगे, तो इन 4 पेज को लगाकर हमें इसे अच्छे से कस लेना है। तो इस तरह से इस बोर्ड का कनेक्शन होगा दोस्तों। ये देखिए,